एमसीबी जिले के जगरा खंड पुलिस थाने में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला खुद को कमरे में बंद कर फांसी पर झूलने की कोशिश करने लगी, जिसमें थाना प्रभारी आनंद फानन में थाने पहुंची और उनके काफी समझाने के बाद उक्त महिला कमरे को खोलकर बाहर निकली। तब कहीं जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। नगर पंचायत नई लेदरी के हर्रा दफाई में रहने वाली 50 वर्षीय महिला रसीदुन निशा ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे वह अपने घर पर गई थी। घर पर थी तभी झगरा खंड पुलिस थाने में पदस्थ महिला आरक्षक उसके घर पहुंची और कहते हुए अपने साथ पुलिस थाने ले आए, उससे पूछताछ के लिए साहब बुलाए हैं। और थाने लाने के बाद महिला आरक्षक ने उनकी बेरहमी से पिटाई की। खुद को बचाने के फिराक में पीड़िता ने थाने में ही एक कमरे में खुद को बंद कर लिया और कमरे में लगे पंखे में फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगी। इससे थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए और आनंद फानन में इसकी सूचना झगरा खंड थाना प्रभारी दीपक सैनी को दी, जिसमें खबर मिलते ही थाना प्रभारी तत्काल पुलिस थाने पहुंचे और महिला को समझाने बुझाने का प्रयास किया और तब कहीं जाकर महिला बाहर आई। पीड़िता ने कहा उसके द्वारा उक्त महिला आरक्षक के साथ कभी गाली गलौच नहीं की, लेकिन कुछ लोगों के कहने में आकर उसके द्वारा उसे थाने लाकर पीटने के साथ प्रताड़ित किया गया। पीड़िता ने महिला आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई कर उसे न्याय दिलाने की मांग की। 7 बज रहा था, मैं घर से निकली लेटरिंग जा रही थी, तभी मेरी रक्षिका आई, पुलिस वाली बोली आपको TI बुलाए हैं। मैं बोली इतना सुबह कौन सब थाना खुलता बेटा, क्या बात हो गया है? तो उसने बोली मैं बोल रही ना तेरे को गाड़ी में बैठ सीधा तो बैठ। मैं बोली लेटरिंग से तो आ जाने दे बेटी, बरस भी नहीं करी हूँ। बोली सब हो जाएगा बाद में, पहले तू बैठ, मैं रोड छाप नहीं तेरे लिए मैं खड़ी रहूँगी, तू चल मेरे साथ। मैं बैठी गाड़ी में, फिर एक थाना में एक अधिकारी था बेचारा, वो लिख रहा था तो उसके सामने मेरे को बैठा दी। उसके बाद में बोले यहाँ से तू उठ अंदर चल रूम में, फिर मैं अंदर मेरे को रूम में ले कर जा के बैठा दी। मेरे हाथ को मुड़केट के मारी पीछे हाथ बना के मारने के बाद मैं जब चिल्लाने लगी जोर से बाप रे करके, उसके बाद दरवाज़ा लगाई अपना, दरवाज़ा लगा के इधर का कान में मारी फिर इधर का कान में मारी। मगर मेरा तबीयत ठीक नहीं बेटा, टाइफ आई है मेरे को, मेरा आँख एकदम अंधेला हो गया था। फिर उतने में वो अधिकारी आया, बोले यह आप क्या कर रही हो, ये TI साहब का फोन आया आप बात करो। फिर वो निकल के बाहर निकली, मैं अंदर से दरवाज़ा बंद करके, मैं बोले बेफालतू की वजह से मेरे को तुम मार रही, उससे अच्छा मैं अपने हाथ से माफ कर लूँगी, मेरे को मंजूर है, बिना गलती के तुम मेरे को मार रही है। इतने में मैं दरवाज़ा बंद करके अपना फांसी लगा रही थी, फिर TI साहब आए, मेरा हाथ जोड़े माता राम आप दरवाज़ा खोल दीजिएगा, मैं आपको अन्याय दिलाऊंगा माता राम आप दरवाज़ा खोल दीजिए। मैंने उसको मैं बताई, मुझे ऐसा ऐसा बात बेटा देखो जब बिना जुर्म के मेरे लड़का को बलात्कार केस में बंदर कर दिए, अब मेरे ऊपर रोक लगा के मेरे को अंदर करके मार रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? मेरे को न्याय चाहिए बेटा लोगों, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे आगे पीछे कोई नहीं सा रहा, मैं कब तक भागूं? मैं लड़ाई से तब तंग आ गई, मेरा कोई मजबूरी समझे सर लोगों, मेरे को न्याय दिलाइएगा। ये सब इच्छिका ये मुमताज और फिरोज कुर्बान कुछ में से कर रही है, मेरे को न्याय क्यों कर रही लोग, क्या है, कोई पुरानी दुश्मनी है आपकी? जी बहुत पुरानी दुश्मनी, क्या चीज के लिए? लेकिन जमीन के लिए अब बजना बारी फार्म बना ली है। ऐसी सूचना मिली, थाने द्वारा सूचित किया गया था कि कोई महिला जिसको ले गया था पूछताछ करने के लिए, इस टाइप की घटना को अंजाम देने की कोशिश करी, तो बाद में समझाइश दिए गए, इसमें जांच का विषय है, शिकायत मिली है तो इसको SDOP के द्वारा जांच किया जा रहा है। सर वो महिला कहने की मेरे साथ मारपीट भी किया गया एक महिला आरक्षक, ये SDOP के द्वारा इसको जाँच किया जा रहा है, जाँच के उपरांत